नमस्कार, स्वागत है आपका नागाजी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा मलाई रोल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है बटर। आज हम एक ही सामान से दो रेसिपीज बनाने वाले हैं। पहले हम बनाएंगे मावा मलाई रोल, उसके बाद हम बनाएंगे रसमलाई। तो ये देखिए, अब हमने इसमें डाला है बटर। आप चाहे तो इधर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हम अपना दूध डाल देंगे और चलाएंगे, चलाते रहें। पहले हम बना रहे हैं मावा। ये हमने फुल फैट यानी कि फुल क्रीम मिल्क दिया है। इसमें एक बूंद भी हमने पानी नहीं डाला, बिना पानी वाला दूध है ये। और इसे आप चलाते रहिए। हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर। जो हम मिल्क पाउडर डालेंगे तो हमें इसे चलाते रहना है, जिससे उसकी गुठलियां ना बने। ये देखिए, हमने इसमें डाली है 2 चम्मच शक्कर। ये देखिए, मिक्स कर लीजिए शक्कर को। देखिए, हमारी रबड़ी बन चुकी है। अभी हमें और उबालना है दूध को, जैसे मावा बन जाए। मावा बन के रेडी है हमारा। आप चाहे तो ये रेसिपी बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं भुनना है मावा को। ये देखिए, हम बना रहे रबड़ी। ये अब हमने फुल क्रीम मिल्क डाला है, फिर से बिना पानी वाला दूध। ये देखिए, इसे भी आपको चलाते रहना है। हमारे दूध को गाड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, धीरे धीरे करके हमारा दूध गाढ़ा होना चालू हो गया। और इसमें डालिए 3 से 4 टेबल स्पून शक्कर। ये देखिए, हम शक्कर को भी मिला लेंगे। देखिए, इसे चलाते रहना है। ये जो साइडों में मलाई है, उसे स्क्रैप कर लीजिए। ये देखिए, हमने इसमें डाला है केसर वाला दूध। थोड़ी देर दूध को, केसर को दूध में भिगो लिया था। हमने बारीक कटे हुए नट्स दिए, आमंड्स और पिस्ता। इसमें डाल दिए बादाम और पिस्ते दूध। ये देखिए, बहुत ही रिच बनेगी हमारी रबड़ी। ये देखिए, और हमने इसमें डाला इलायची पाउडर। और हमने इसमें डाली है मलाई। अपनी मलाई साइडों से हटा देंगे, इससे और गाढ़ा होना चालू हो जाएगा। ये जो हमारी रबड़ी है ना, बहुत ही लच्छेदार बनी, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको खा के। ये देखिए, कितना प्यारा कलर आया हमारा केसर से। रबड़ी बन के रेडी है। आप हमने लिए ब्रेड और उसके साइड्स उतार लिए। ऐसी आपको अपनी सारी ब्रेड्स के साइड्स हटाने और उन्हें बेलने, बिल्कुल इसी तरीके से आप बेलने अपनी ब्रेड्स को। ये देखिए, हमने ऐसी अपनी सारी ब्रेड्स को बेल दिया है। हमने जो मावा बनाया था ना, उसे हमें सिमेट्रिकल शेप में कर लेना है और
प्लेट के अंदर भर और रोल कर लीजिए और आप इसमें रबड़ी लगा लीजिए जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से आपको रोल कर लेना है। आप ऊपर डालिए, साइड में डालिए, बीच में डालिए, साइड ओवर भी डाल दीजिए, इससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मावा मलाई रोल, जितनी दिखने में डिलीशियस है उससे ज्यादा ही खाने में अच्छी लगती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप बार बार खाएंगे। और ये ब्रेड सेकंड वाली बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। ये देखिए आप खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप हलवाई को भूल जाएंगे, मिठाई की दुकानों को भूल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।